बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर 201। वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके, और व्यू के जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके लिए हमारे पास असाइनमेंट, GDB सॉल्यूशंस और किस तरह उसमें आप 100% मार्क्स ले सकते हैं उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा मिड टर्म में किस तरह आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं इसके लिए भी वीडियोज़ हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मौजूद हैं। ठीक है, टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 18, राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट। जिस तरह के हमने पिछले लेसन में देखा था कि हम किस तरह लेटर को राइट कर सकते हैं, आज हमने देखना है कि लेटर के अलावा हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसका मेन आइडिया और इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह काम आता है रिक्वेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी डिटेल्स देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट देखेंगे और इसके अलावा स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट। ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें। इसमें क्या क्या आ जाता है, स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। सबसे पहले आपने मेन आइडिया लिखना है रिक्वेस्ट में, देन आपने क्या करना है, गिव नेसेसरी डिटेल्स। जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड कर देनी है। एंड पे आपने क्या करना है, क्लोज विद कॉर्डल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। लास्ट पे आपने कॉर्डल रिक्वेस्ट के साथ स्पेसिफिक एक्शन के साथ उसको क्लोज करना है, जिस तरह हम बोलते हैं योर सिंसियरली। ठीक है, इस टाइप। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या है। दिस अप्रोच वर्क्स वेल व्हेन योर रिक्वेस्ट रिक्वायर्स नो स्पेशल टैक्ट और पर्सुएशन। यानी आपको कोई स्पेशली टैक्ट वगैरह नहीं चाहिए होते, आपने डायरेक्टली रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो उसके लिए आपने क्वेश्चनिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दिया है एच के बी स्टोर की। उसका मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, दे आर सर्टेनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग लेविस इंक्रीज सेल्स जस्ट एज डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इंटरेस्टेड इन फिलिंग द एच के बी ऑर्डर। ठीक है, इसका देखें मेन आइडिया क्या है रिक्वेस्ट का। जनरल रूल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज नॉट ओनली टू बी अंडरस्टूड बट आल्सो द अवॉइड बींग मिसअंडरस्टूड। बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन ऑफ विच रिक्वायर नो क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन दैट इज़ पार्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट। यानी आपने इस तरह पोलाइटली क्वेश्चन करने हैं कि उसमें क्वेश्चन मार्क की हमें ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, और इसके अलावा वो जो है इसमें एक रिक्वेस्ट का पार्ट भी होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है पोलिटिकल रिक्वेस्ट जो है वो क्या है और जो है क्वेश्चन दैट इज़ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट वो क्या है। अब देखिए वट डू यू प्लीज़ हेल्प अस डिटरमिन वेदर केट किंग्सली इज़ अ सूटेबल एप्लीकेंट फॉर अ पोजिशन एज लैंडस्केप डिज़ाइनर। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है रिक्वेस्ट का, डिड केट किंग्सले डिमोन्स्ट्रेट टू वर्क स्मूथली विद क्लाइंट। ठीक है, यानी हम लोग मेनली क्या पूछना चाह रहे हैं कि वो क्लाइंट के साथ स्मूथली काम करते हैं या फिर नहीं। अब देखिए जस्टिफिकेशन में और एक्सप्लेनेशन में डिटेल्स में क्या क्या आ जाता है, इसमें ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको हाईलाइट कर लेना है। कॉल अटेंशन हाउ द रीडर विल बेनिफिट फ्राम ग्रांटिंग योर रिक्वेस्ट। यानी आपने अटेंशन वहाँ पे इस तरह कॉल करनी है कि आपका जो रीडर है आपकी ग्रांटिंग जो है उससे रिक्वेस्ट जो है उससे बेनिफिट हासिल कर सके। देन आपने क्या करना है, गिव डिटेल्स ऑफ योर रिक्वेस्ट, आपने उसकी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी है। देन आपने आस्क सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने उसको सबसे पहले करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने इररिलेवेंट क्वेश्चन उसमें ऐड कर देने हैं कि वो गेटिंग बोर्ड या फिर वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए या वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना ले आपके रिक्वेस्ट में। ठीक है, देन आस्क रिलेटेड मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन, जितने भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं आपने वो पूछने हैं। ठीक है, यूज़ नंबर्ड लिस्ट व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग सेवरल आइटम्स और आंसर्स। जब आप ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आइटम्स वगैरह तो आपने उनको नंबर करना है लिस्ट में। ठीक है, अब देखें सबसे पहले ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर क्या है, एन ऑर्डर लेटर इज़ आल्सो नोन एज अ PO और परचेज ऑर्डर लेटर। ये आपने MCQ के लिए हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है इट बिगिंस द पेपर ट्रेल ऑफ अ स्पेसिफिक परचेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्डर लेटर इज प्रोवाइड द वेंडर विद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर फुलफिलिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर लेटर आपको शॉर्टकट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें पेपर ट्रेल से ये स्टार्ट होता है, जितने भी स्पेसिफिक परचेजेज होती हैं इसमें तमाम ऑर्डर डिटेल में आपको दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर लेटर्स आर लुक लाइक गुड मेल फॉर ऑर्डर फॉर्म्स
although they also provide more room for explaining special needs. When placing an order, you don't need to excite your reader's interest, just state your need clearly and directly. अब आपने ये नहीं करना कि आप ऑर्डर जब प्लेस करें तो आप इसमें जो आपका रीडर्स इंटरेस्ट है उसकी उसको एक्साइट करना शुरू कर दें, उसको मतलब इस तरह इमोशनली आप शुरू हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा आपने क्या करना है, क्लियरली अपनी नीड्स को आपने वहाँ पे डायरेक्टली प्लेस करना है। और देखिए ना, इस टॉपिक का मेन नेम क्या है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी इररेलीवेंट ये नहीं करना हर चीज़ आप इसमें ऐड करते जा रहे हैं, बल्कि डायरेक्टली आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। इसमें क्या क्या देखेंगे हम, व्हाट डू यू वांट टू डू, वांट टू नो, यानी आप क्या जानना चाह रहे हैं, एंड रीडर्स इंटरेस्ट टू हेल्प यू, उसकी क्या मतलब इसकी रीडर्स की इंटरेस्ट है जो जिसमें वो आपकी हेल्प कर सकता है। अब रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम कंपनी इनसाइडर्स को, इसका एक मेमो फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, सेव्स टाइम एंड क्वेश्चंस, टेल्स प्रिसाइजली व्हाट इज नीडेड, द बेसिक क्वेश्चंस स्टेटेड एट द बिगनिंग्स and the next two paragraphs explain problem, main inquiry necessity, the final paragraph request action and with a built-in questionnaire makes a response day. ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है, ठीक है। आगे उन्होंने मेमो की एग्जाम्पल दिया, लिटिल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ओरियंट्स द रीडर। देखिए कस्टमर सर्विसेस इन द डिपार्टमेंट और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट रिस्पॉन्ड्स इन इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर में कम्युनिकेट इन पर्सन और वी आर रिटन करेस्पॉन्डिंग टोल टेलीफोन, वेरियस टेक्निक्स आर यूज इन रेट करेस्पॉन्डिंग बैक टू द कस्टमर इंक्लूडिंग चेकलिस्ट फ्रॉम लेटर्स, टाइप रिटन लेटर्स एंड कंप्यूटर लेटर्स एंड कंप्यूटर जनरेटेड पर्सनलाइज लेटर्स। टाइप रिटन लेटर्स आर बेस्ट फॉर इरेट कंप्लेंट्स। सबसे ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है कंप्लेन के लिए, तो कौन सा है, टाइप राइटर लेटर, ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस में। अब कंप्यूटर लेटर्स कंबाइन द बेनिफिट ऑफ पर्सनलाइजेशन विद द एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कस्टमर लेटर, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओपनिंग पैराग्राफ स्टेट्स रीजन फॉर द लेटर, आपने उसकी रीज़न लिखनी है, फ्रैंकली आपने क्वेश्चंस करना है जो कि अराउज करेगा उसकी क्यूरियोसिटी और इनकरेज करेगा आपका फ्रैंक रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑफ एक्शन शुड बी डिवाइज्ड फॉर अनकवरिंग ट्रबल विदाउट एक्चुअली सजेस्टिंग द देयर माइट बी ट्रबल, द एक्चुअल रिक्वेस्ट फॉर एक्शन इज लेफ्ट अनस्टेटेड अंटिल द एंड दैट लीव्स एन इम्प्रेशन, यानी ये एक्चुअल एक रिक्वेस्ट जो आपकी एक्शन में वो उस पर इम्प्रेशन डालेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेम, क्लेम में क्या करना है, आपने लीगल डिमांड और असर्शन बाय द क्लेमेंट फॉर कंपेंशन पेमेंट एंड रिम्बर्समेंट फॉर द लॉस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और एन इंजरी ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी आपने इसमें क्लेम में क्या क्या लिखते हैं, आप इसके पेमेंट के बारे में क्लेम करते हैं या अगर आपने कोई लॉस आपको हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में क्लेम करते हैं या कोई इंजरी वगैरह के बारे में, ठीक है। एडजस्टमेंट्स क्या हैं, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हैंडलिंग और सेटलिंग की जाती है क्लेम्स के बारे में, क्लेम्स को हैंडल किया जाता है, ठीक है। ये पॉलिसी होल्डर या फिर जो क्लेमेंट बिकॉज ऑफ लॉस और डैमेज हुआ है आपका उस पर ये अमाउंट भी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें इस पर अमाउंट दी जाए। एडजस्टमेंट लेटर में इसके अलावा क्या लिखा जाता है, ऑफर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ काज ऑफ यानी जो भी काजेज बने हैं आपके नुकसान के वो आपने तमाम वहाँ पे नेसेसरी एक्शन जो है उसको क्लेम करेंगे आप, ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर इज़ अ लेटर टू आंसर द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट लेटर है कि उसका आंसर होता है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आगे देखिए रिक्वेस्टिंग क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट, किस तरह ये क्लेम और एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको रिक्वेस्टिंग किया जाता है। क्लेम्स क्या आते हैं, फॉर्मल क्लेम, कंप्लेंट्स होती हैं जो क्लेम में आती हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में क्या आता है, क्लेम सेटलमेंट, जो क्लेम की सेटलमेंट की जाती है, ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट रिक्वेस्ट, इट इज़ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिट ओरल और रिटर्न, ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, जो कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस फॉलोड बाय द क्रेडिटर फॉर द टाइप ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट, ठीक है। क्रेडिट रिक्वेस्ट में क्या होता है, ओरली या रिटर्नली आप इसमें रिक्वेस्ट करते हैं क्रेडिट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्वेस्टिंग क्रेडिट इज़ टू गेट एन एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आप उसमें फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं आप सप्लाई करते हैं जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसे, और नेक्स्ट ऑर्डर लेटर्स ऑफन कंबाइंड विद द रिक्वेस्ट टू फॉर क्रेडिट, उनको कंबाइन करके आप एक क्रेडिट रिक्वेस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेसन,
अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने उसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।